हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के कक्षा 3 विषय गणित अभ्यास 12.2। पिछले वीडियो में मैंने अभ्यास 12.2 जो आपका चल रहा है 12, ये मीट्रिक मापन से संबंधित सवाल है जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अब उसी में ये आपका दूसरा चैप्टर 12.2 है जो दे रहा है निम्नलिखित को रूपांतर सहित जोड़िए, जिसका पहला सवाल आपका है। देखिए ए में लिख रहा है 40 मीटर, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित को रूपांतर सहित जोड़िए। यहाँ पे आपको जोड़ना है तो 40 मीटर 40 सेंटीमीटर तथा 50 मीटर 49 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को आपस में जोड़ना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो आप सीधे लिखेंगे 40 मीटर, इसके दो तरह से भी आप हल सकते हैं, ध्यान के देखिए। ये है 40 मीटर, ठीक, और 40 सेंटीमीटर ये सेमी, जैसे आपको पीछे बताया गया है मीटर मी, और सेमी का मतलब सेंटीमीटर, प्लस कितना है 50 मीटर और 49 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में ऐसे आप जोड़ सकते हैं, यहाँ 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, ठीक, ये आपका सेमी हो रहा है, यहाँ लिखेंगे सेमी। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा मीटर, ये क्या होगा मीटर, तो 90 मीटर 89 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। इसको आप इसी तरह से हल करेंगे। अब इसमें दूसरे तरह से क्या, जैसे अभी ये दूसरा देखिए, इस चैप्टर का आपका लिखा है निम्नलिखित को रूपांतर रहित जोड़िए, ऐसे ऊपर नीचे करके बनाया है, ठीक, ये रूपांतर रहित है इसको और ये सहित है, सेम तरीका मतलब वही है। यहाँ भी जोड़ेंगे तो आप उसी तरीके से वो भी आंसर आएगा, इस तरह से जोड़ेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो इस अभ्यास का पहले का मैंने ये आपको हल करके बताया, कुछ और सवाल हैं आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित को रूपांतर रहित जोड़िए, जैसे मैंने बताया अभी कोई खास अंतर नहीं इस सवाल में, आप इसको भी हल करेंगे जब, तो सीधे ये सवाल है इसको आप जोड़ देंगे, ऊपर नीचे वो लिखा हुआ, यहाँ क्या आपको लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम बना के सीधे आपको जोड़ देना है। तो 2 और 5 कितना होगा 7, यहाँ कितना होगा 1, इसको जोड़ेंगे तो आप कितना होगा 7, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 6, ये क्या होगा। अब आंसर जो आपको लिखेंगे इसका 67 मीटर, ठीक, और 17 सेंटीमीटर, इसका ही आंसर आएगा आपका। तो ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आराम से आप लोग कर लेंगे हम। तो अब अभ्यास 12.2 का पहला और दूसरा, अब तीसरा देखिए, देखिए तीसरा दे रहा है निम्नलिखित को रूपांतर सहित जोड़िए, इसका ये अभी मैंने पिछला, मैंने अभी 2 का एक सवाल बताया था आप लोगों को हल करके, बचे हुए जो सवाल हैं आप स्वयं उसको हल करिएगा दूसरे का। तीसरे का ये देखिए, दिया 837 मीटर, 18 किलोमीटर और 837 मीटर तथा 15 किलोमीटर 189 मीटर, एक किमी है यहाँ, जैसे आपको पीछे बताया गया किलोमीटर को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं किमी में, ठीक, तो इसमें भी कुछ है नहीं, आप सीधे हल करेंगे तो यहाँ पे 18 किमी, ठीक, 837 मीटर प्लस 15 किमी, फिर 189 मीटर, आप इसको जोड़ेंगे, क्या करना है, जोड़ना है ना, प्लस करना है, जोड़िए। तो यहाँ देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 1 बचेगा, यहाँ 4 हो गया,
चार और आठ कितना हो गया 12, ठीक, एक बचा 8 × 9, ठीक, 8 × 9 एक बचा हासिल, कितना हो गया 10, 10 को कितना लिखेंगे 0, ठीक। अब एक क्या हो गया यहाँ, यह आपका एक जो हासिल बचा वह क्या हो गया किलोमीटर, इसलिए यहाँ पे 1000 पूरा हो रहा था ना, अगर आप जोड़ते हैं सीधे अगर जोड़िए आप तो देखिए 8 × 9, 9 × 10 ये आपका हो रहा है 1026 मीटर, ठीक, क्या हो रहा है इसको अगर जोड़ रहे हैं तो आपका आएगा टोटल 1026 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर जैसे आपको पता है कितना होता है 1 किलोमीटर, तो इसमें से 1000 आप निकाल के पूरा 1 किलोमीटर हो रहा है तो सीधे किलोमीटर में चला जाएगा और यह 26 जो है क्या मीटर, मीटर आ जाएगा। तो वही हासिल यहाँ पे मैंने सीधे यहाँ 0 लिख दिया, अभी वह 1 जो हुआ वो किलोमीटर में जुड़ जाएगा, तो किलोमीटर को जोड़ेंगे तो आपका हासिल 1 है 9 हो गया, 9 × 5 = 14 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 1 = 2, 2 = 3 = 34, ये 34 किमी हो गया, ये 26 मीटर हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें भी कुछ खास है नहीं, आप लोग उसको स्वयं बचे हुए सवाल जो है कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा, निम्नलिखित को रूपांतर रहित जोड़िए। अब इसमें ए पहले अभी जो बताया उसी तरीके से सेम है भी है, तो इसको ऊपर नीचे लिख के कालम में दिया तो सीधे आप जोड़ लेंगे। देखिए चलिए इसका ए 7 और 9 कितना होता है 16, 1 बचा 7 × 8 = 1 कितना 9 हो गया, यह 5 आ गया, ये 596 हो गया, इसमें हासिल आया नहीं बचा नहीं, सीधे अब किलोमीटर को जोड़िए 5 और 2 = 7, 1 और 8 = 9। अब इसका जो आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर में ये हो जाएगा 97 किमी, ठीक, और 596 सेमी सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा देखिए बी, चौथे का बी, किमी इस तरह से कालम दिया सीधे आप जोड़िए 5 और 8 = 13, 1 बचा 7 × 9, 9 × 10 = 0, 1 बचा 9 × 10 = 0, 1 बचा, अब ये क्या हुआ किलोमीटर में चला आया, 1000 मीटर हो गया था ना, अब किलोमीटर में आ गया तो 1 किलोमीटर में जुटेगा, तो 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14, 1 बचा 1 × 2 = 3, अभी हो गया 34 किलोमीटर 3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिखेंगे 34 किमी, ठीक, अब 3 मीटर, तीन मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो इस अभ्यास 10.2 में आपका कुछ खास कठिन सवाल नहीं है, जो से मैंने बताया है आप उसको एक बार दो बार देख के पूरा आसानी से हल कर सकते हैं। आप उसको जो भी बचे हुए सवाल हैं उसको हल कर लीजिएगा।